हेलो फ्रेंड्स, स्टडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित जारवाल। आज का हमारा टॉपिक है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, ये क्या काम करता है? दिस लॉ हेल्प्स अस टू फाइंड आउट द टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। यानी इस लॉ की मदद से हम एक ब्लैक बॉडी की टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर, जो कि हमारी ई होती है, ई बी, उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा ये जो लॉ है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट स्टेट्स दैट द रेडिएंट फ्लक्स एमिटेड पर यूनिट टाइम ऑफ अ ब्लैक सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी हमारी जो ई बी की वैल्यू होती है, जिसे हम बोलते हैं टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर, और उसी की डेफिनेशन होती है हमारी रेडिएंट फ्लक्स एमिटेड पर यूनिट टाइम ऑफ अ ब्लैक सरफेस। ये प्रोपोर्शनल होता है टू द फोर्थ पावर। यानी हमारा जो ई बी होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 4। ठीक है, यही हमारा जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, उसकी डेफिनेशन है। और उसके बाद जब प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट आ जाता है सिग्मा बी, जिसे हम बोलते हैं रेडिएशन कोफिशिएंट या फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए आया कैसे। अब यहाँ भी वही चीज़ है, हमारा ये भी डिराइव होगा प्लैंक लॉ से। तो हमने जैसे देखा था हमारे पहले वीडियो में, ई बी लैम्डा जो होती है, वो होती है हमारी मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। मोनोक्रोमेटिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए। और ई बी लैम्डा का हमारा प्लैंक लॉ के हिसाब से फॉर्मूला था 2π c1 अपॉन लैम्डा की पावर 5 ई की पावर c2 अपॉन लैम्डा टी -1। तो अगर हमें टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर निकालनी है, यानी ई बी, तो हमें हमारी मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर ऑल वेवलेंथ्स। तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से इन्फिनिटी पे सभी वेवलेंथ्स के लिए। तो ई बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट ई बी लेमडा डी लेमडा। अब यहाँ पे हम ई बी लेमडा की वैल्यू रख देंगे, ये हमारा फॉर्मूला। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी 2π c1 6 टी की पावर 4 अपॉन c2 की पावर 4 इंटू पाई की पावर 4 अपॉन 90। तो हम इसे अरेंज करके लिख लेंगे, ई बी इक्वल टू 12π c1 पाई की पावर 4 अपॉन c2 द पावर 4 इंटू 90 और इंटू t2 द पावर 4। तो अब हमारी ये जो वैल्यू है, इसको हम सॉल्व करेंगे C1 और C2 की वैल्यू डालने के बाद, जहाँ पे हमारी C1 और C2 की वैल्यू ये होती हैं, जो मैं आपको पहले वाले वीडियोस में ही बता चुका हूँ। तो जब हम यहाँ पे C1 C2 की वैल्यू डालेंगे, और ये जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनकी जब हम वैल्यू निकालेंगे, तो वो हमारी निकल के आती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन पावर 4। और इसी को ही बोलते हैं हम सिग्मा बी या फिर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला निकल के आता है ई बी इक्वल टू सिग्मा बी t2 द पावर 4। ठीक है, तो ये था हमारा प्लैंक लॉ, जो हमें बताता है कि हम किसी भी ब्लैक बॉडी की टोटल हेमिस्फेरिकल एमिसिव पावर को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।